सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा वॉइस ऑफ इंडिया नवे प्रोग्राम गूंजा सिख सियासत दिया। अज असीं गल करांगे आम जनता दे नाल ते पुछांगे उन्हां नूं एक सवाल कि कौन बनेगा गुरुद्वारा कमेटी दा अगला प्रधान। ते देखी साडी खास रिपोर्ट। गुरुद्वारा कमेटी दे चुनाव हुण 9 महीने को रह गए ने, आने वाले ने, ते हुण सरकारां जिहड़ी हैगीआं ने कमेटियां दे नवे बोर्ड बनाने जा रही है। नवे बोर्ड बनाना किन्ना जरूरी हैगा? नवा बोर्ड बनाना ते बहुत जरूरी है। संगत नूं पता चलना चाहिए गुरुद्वारा कमेटी की कुछ हो रहा वे, किहड़े बंदे चुन के लियाने ने। असीं वोट नहीं बनावांगे, 3 लाख साढ़े कोल वोटर है, 1.5 लाख बंदा वोट पाता वे, 1.5 लाख कमेटी बना सकते, जबकि 15 लाख वोटर ने साढ़े को दिल्ली के अंदर। सारे वोट बनाना चाहिए वे, अपने तरीके वधिया बंदा चुन के अगर भेजा, काम काज वधिया चले। सवाल करना चाहवागा, तुसीं तीनों पार्टियां दे नुमाइंदे वेखे ने, चाहे सरना साहब होन, चाहे सिरसा साहब होन, चाहे जीके साहब होन, तुहाडी की राय है कि किन्ने काम वधिया कीता है? मेरे हिसाब से जीके साहब ने काम वधिया कीता। क्यों? उन्होंने काम बड़े काम वधिया वधिया होए ने। की काम होया? गुरुद्वारे वधिया काम चले ने, बड़ा फर्स्ट क्लास चलता साहब, तनखावां मिल रही हर स्कूल वालों को, टीचर तनखा मिल रही, हम तो 6-6 महीने टीचर तनखा नहीं मिलती भाई। उन्होंने तो करप्शन के इन्ने इल्जाम लगे ने, उस तो बाद भी करप्शन जो इंजाम सबको पता है किस तरह करप्शन हुई है, वाली तो किन्ने कराई है, तो किमें होया एवं सब्जियां ही बड़ी सब्जियां बिल नवी छंटी ने बना बना उ सरना साहब टाइम पर खा के सब्जियां बह खा के 86 लाख रुपया 3 महीने सब्जी आ गई 86 लाख रुपए की। आप जी की राय है गुरुद्वारा कमेटी चुनाव हो रहे हैं, उन्हें भी वोटा बनन जा रही ने, बननी चाहिए या कि नहीं बननी चाहिए? देखो जी, पार्टीसिपेशन तो 100% होनी चाहिए मेरे ख्याल नाल। सिख वोट तकरीबन 3 लाख हैगी है दिल्ली के, वह भी 1.5 लाख जी वोट है वो जी है वह पैंती है, 50% जाके वोट पैंती है, तो जिहड़ियां वोटा बनिया भी नहीं हैं तकरीबन 50% वोटा बनिया भी नहीं हैं, तो वह वोटा बननिया चाहिए ताकि पूरा पूरा सिख जा कौम है वो पार्टीसपेट करे, अपने नुमाइंदे जो उत्थे भेज रहे हैं असी वो जाके चंगे काम करन। खास तौर पर गुरुद्वारा की रेस आलरेडी ठीक हो रही है, चल रही है, लेकिन उस तो अलावा जो काम नहीं हो रहे, गलत हो रहे हैं, उन्होंने सीधा करने वास्ते जो अच्छे तो अच्छा नुमाइंदा जरा प्रधान है वो चुन के लियान। इतने मेरे ख्याल में जो है पिछले कुछ साल 4-5 साल जो कमेटी रही है सिरसे तो पहले दी जीके साहब रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम अच्छे किए हैं, तो असं चाहते हैं कि वह दोबारा भी ऐसा बंदा उस पोजिशन से आए। एक तो मैं पहले भी गल कही थी कि जो स्वीपिंग पावर जड़ियाँ प्रधान दी गई उसू मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है पावर होनी चाहिए लेकिन तरीके ना यूज़ करें ताकि जो पूरी कौम सिख कौम जी है उसका फायदा उठा सके, बच्चे अच्छे पढ़ सकन, अच्छे जो गरीब लोग हैं उन्होंने मदद वास्ते भी सोने दी पालकियाँ और सोने के दरवाजे लगा के इसका कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। तो अच्छे तो अच्छा बंदा लिया के जी जिस मैं क्या मनजीत सिंह जी ने अच्छे काम किए हैं, अच्छा बंदा आएगा वो अच्छे काम जी के तो ना ले लिया, 2-3 बार ना ले लिया, इन्ने करप्शन इल्जाम लगन तो बाद उन्होंने रिजाइन भी करता, प्रधानगी तो भी आउट हो गए, फिर तुम जी के सामने कह रहे हो कि वधिया काम किए हैं, यह क्यों? देखो गुरुद्वारा कमेटी जी है ना, ये गवर्नमेंट वालों इन्होंने पोलिटिसाइज करता गया, डिवाइड कर दिता गया, उन्होंने काम उन्होंने इल्जाम अगर है वो किसी ने लगाए ने उदो प्रूफ हले कोई नहीं है किसी किस्म का। जरा प्रधान काम करता रहता तो ठीक होता, काम करके बाहर आता दूजा बंदा बन जाता उस इल्जाम लगा देता। सो ए, 3 प्रधान पिछले 4-8-9 साल रहे हैं या 4-10-11 साल रहे हैं, सारे एक दूजे इल्जाम लगाते हैं आके, उस जिस काम कर रहा हूँ उस कोई इल्जाम नहीं, काम कर रहे ठीक है, उस तो बाद प्रूव होएगा, कोर्ट देखेगा तो देखी जाएगी उस तो बाद। सिंह साहब आप जी जाना चाहवागा, आप जी का ना की है इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी आप जी की राय है कि जो गुरुद्वारा कमेटी नवे चुनाव के वोटा बनन जा रही ने कितनी जरूरी हैगी? इस तरह है कि वोटा 3 लाख ने दिल्ली, जदों के सिख फैमलियाँ सब मिला के टोटल 15 लाख ने, तो मैं चाहना हाँ कि मैक्सीम वोटा बनन और मैक्सिमम इलेक्शन होवे, मैक्सिमम वोटिंग होवे, ताकि ठीक आदमी जिहड़ा कि काम कर सकता है वो अगे आवे और कौम नूं चढ़दी कला विच लै जावे। मगर देखा टर्म वेखी जाए लगातार पिछले 6 साल की या टर्म करिए 12 टर्म की गल करिए, सिर्फ कमेटी करप्शन के इल्जाम तो लगे ने, तुहाडी राय कि किन्ने मैंबर ने वधिया काम किया, किन्ने करप्शन ज़्यादा की है, किन्ने प्रधान ने वधिया काम किया, किन्ने करप्शन ज़्यादा की है? मेरी राय यह है दस नूं मैनू दिल्ली में रेंद्ते हैं, मैं 64 दिल्ली आ गया सी उस वेले तो लैके, मेरी राय यह है जेकर सिख कौम एक दूजे ते इल्जाम लाने छड़ देवे तां जल्दी तरक्की करेगी। किसी ने किसी सिख कौम दे जड़े लीडर होण या संगत होवे वो एक दूजे की टंग खिंचदे ने, काम घट करदे ने, टंगा ज़्यादा खिंचदे ने। सतिंदर सिंह सवाल करना चाहवांगा, दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शन आ रहे हैं, साल को रह गया आने वास्ते, की लगता है कि केड़े प्रबंधक ने काम वधिया किया? सरना साहब रहे 12 साल, 6 साल जीके साहब रहे, 1 साल सिसा जी रहे, किन्ने वधिया काम वधिया नज़र आ रहे 1 साल के अंदर? सारा वधिया काम तो सरना साहब का रहा जी।
उस तो बाद जो सिरसा जी है उन्होंने काम क्यों लग रहा? सिरसा जी के सारे झूठे ने जी, साढ़े ना विधानसभा जिन्होंने सच बोलिया तो ना कौम ना सच बोलिया तो ना ही अगो सच बोलणगे। झूठ के फरेब से आए थे तो झूठ तो कि टिकता तो है नहीं है। इन्हें आ गए दूजी दोबारा जरूर आए हैं लेकिन ये अपने उन्होंने चीज़ों ही रहे हैं। इन्होंने कोई भी जोड़ा काम के संगत को कह के आए थे उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। मनजिंदर सिंह सिरसा एक साल तो दिल्ली कमेटी के प्रधान है, उन्होंने की प्राप्तियां रही एक साल के अंदर? सब कुछ वेची जा रहे हैं। की वेचता स्कूल के हूँ जो नवा मैटर शुरू होया इन्हों गुरु गर्जी पब्लिक स्कूल वेच रहे हैं, तनखावह नहीं दे रहे टीचर दियाँ, ये की है कौम जो सिखी के उद्यान वास्तव इन्होंने की काम किया कोई नज़र आया तुम्हें? देखो जी सिख मैरी एक्ट उत्ते इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक सज्जन कुमार का मसला हैगा वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ने किया या स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया, ये अपने आप से ले जा रहे हैं जी सारा सारा कुछ असं किया इन्होंने कोई काम नहीं किया मेरे हिसाब से। सिंह आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी। तो जानना चाहवाँगा दिल्ली कमेटी के जो काम हो रहे हैं अगला चुनाव आ रहे हैं की मुद्दे चुनाव से वोट पाना चाहोगे? असं मैं कुछ कह नहीं सकता जिस बारे में, मैं तो वोट पाने के हक च ही नहीं है सीधे जी गल। क्यों सानू विश्वास ही नहीं नवे प्रधान बने तो काम कर रहे होंगे वधिया? अजे तक असं तक नज़र आ नहीं रहा कोई काम किया सामने। प्रधान जानते हो अपने नवे कि प्रधान जी नवे कमेटी के प्रधान बने ने सरना सिरसा जी? हाँ जी। उन्होंने छवि चंकी हैगी कि क्यों चंकी छवि हैगी उन्होंने छवि? देखो सन तो कोई समझ आई नहीं छवि, असं ना कोई काम करा गए हैं तो ना सा काम अज तक होया उधर कोई। नाम क्या अब जन आई है? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी। जसप्रीत गल दसो कमेटी चुनाव आ रहे हैं तुम्हें की लगता है कि कौन बनेगा अगला प्रधान? देखो जी मैं तो एक यही कहवागा जी, पहली गल तो इलैक्शन होने नहीं चाहिए सब तो वड्डी गल। क्यों? क्योंकि सिलैक्शन होनी चाहिए है कि लड़ाई झगड़े होंगे है उत्तर दारूँ वंडी जाती है सारा कुछ वंडिया जाता है गुरुद्वारे इलैक्शन के अंदर यह काम होने नहीं चाहिए पहली गल। एक साल हो गया मनजीत मनजिंदर सिंह सिरसा प्रधान बने तुम्हें की लगता है उन्होंने एक साल कमेटी के किन्ने काम किए ने? जी काम ऐसी गल नहीं है काम किए भी उन्होंने कुछ जीके साहब ने भी किए हैं कुछ इन्होंने हूँ आया इन्होंने भी किए हैं। इन्होंने की काम किया कुछ याद है? इन्होंने जी हूँ जेडे है पिछे थोड़े इतने सिखा दे जरा अत्याचार उत्थे जाके उन्होंने सपोर्ट की बड़ी मदद की कुछ साड़ी भी मदद की मैं भी गया मेरा एक्सीडेंट हो गया सिरसा साहब ने मेरी भी मदद की उन्होंने जो जो भी मैं मिले है कभी भी कभी जरूरत पवे तो मैं थोड़े नाल खड़ा।